नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज का लेक्चर हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रहने वाला है, जिसमें आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट की सारी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और हम चंबा जिले का इतिहास देखेंगे। यह आपका एचपी जीके सीरीज का 26 लेक्चर है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए हम चंबा डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। जो चंबा जिला है उसका कुल क्षेत्रफल है 6528 स्क्वायर किलोमीटर। चंबा हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला है लाहौल स्पीति क्षेत्रफल के आधार पर, और सबसे लास्ट में यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हमीरपुर। चंबा का स्थान दूसरा है। चंबा का कुल क्षेत्रफल है 6528 स्क्वायर किलोमीटर। चंबा की साक्षरता दर है 73.19%। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला भी है, यानी ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला जिला है। अब हम आगे देखते हैं पर्वत श्रृंखलाओं को। हाथीदार चंबा में स्थित है। जो हाथीदार पर्वत श्रृंखला है वो चंबा में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी चंबा में स्थित है, और ये चंबा को दो भागों में बांटती है। जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो चंबा को दो भागों में बांटती है। दर्रे, अब कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे देखते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के यानी चंबा जिले के। पहला है जालसू, दूसरा है साच, कुक्ती, पौंड्री और बसोदन। ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के। मैंने आपको ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में पढ़ा दी है, जैसे पर्वत श्रृंखला हो गया, दर्रे हो गए, घाटियाँ, झीले, मेले। ये आपका एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है, तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखिए। और अगर आप पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इन वीडियो को देखने के बाद आप हिमाचल जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। चलिए हम घाटियाँ देखते हैं। चंबा ज़िले में रावी घाटी, रावी घाटी चंबा में स्थित है, और चिनाब घाटी भी चंबा में स्थित है। चिनाब को चंद्रभागा घाटी भी कहते हैं। तो चंबा ज़िले में रावी घाटी और चिनाब घाटी स्थित है। बटियात और सिउता चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। जैसे मंडी की बल है सबसे उपजाऊ घाटी, वैसे ही चंबा की बटियात और सिउता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट झीलें देखते हैं। चंबा ज़िले में मणिमहेश, घड़ासरू, खजियार, महाकाली और लामा झील है। जो मणिमहेश झील है वो चंबा में स्थित है। घड़ासरू, खजियार, महाकाली और लामा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं चंबा में जो स्थित हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से आपके जो ज़्यादातर चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ना चीज़ों को ठीक रहता है, और इससे आपको ईजी भी रहेगा याद करने में। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मणिमहेश झील कहाँ है, तो आप ईजीली कर सकते हैं कि चंबा में है। अब हम मेले देखते हैं चंबा के। चंबा में मिंजर मेला मनाया जाता है, जो कि अगस्त में मनाया जाता है, और ये साहिल वर्मन द्वारा स्टार्ट किया गया है। सुई मेला अप्रैल में मनाया जाता है चंबा में, और ये साहिल वर्मन की जो पत्नी थी नैना देवी, उनके बलिदान के याद में मनाया जाता है, और इसमें जो महिला और बच्चे होते हैं वही पार्ट लेते हैं। फिर नवाला मेला, ये भी चंबा में मनाया जाता है, और ये गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और इसमें शिव की पूजा होती है। चंबा ज़िले की जल विद्युत योजनाओं को देखते हैं। पहली है चमेरा। चमेरा वन है 540 मेगावाट की चंबा में। चमेरा टू 300 मेगावाट की है, जो कि चंबा में है। बैरसियुल ये 198 मेगावाट की, और हटसर जो है 60 मेगावाट की। अब कुछ इंपॉर्टेंट किताबें देखते हैं चंबा के ऊपर। मुख्तसर तारीख़ रियासत चंबा, इसको लिखा है गरीब खान ने। मुख्तसर तारीख़ रियासत चंबा को लिखा है गरीब खान ने। एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट, इसको लिखा है बीसी छाबड़ा ने। तो एक दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की। हमने किताबों यानी बुक्स वाले, बुक्स एंड ऑथर्स वाले लेक्चर में इनको कवर कर रखा है, तो ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर रखी हैं, इनसे बस आपका रिवाइज हो रहा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं चंबा के लिए, चंबा के ऊपर। चंबा में सबसे अधिक भेड़ बकरियाँ पाई जाती हैं। चंबा में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है, यानी सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या हिमाचल की चंबा ज़िले में है। चंबा में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा चंबा में पाए जाते हैं, जो एसटी कास्ट के लोग होते हैं, तो चंबा में एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या है। चंबा के सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र है, जैसे हमीरपुर के ताल में, कड़छम, किन्नौर के कड़छम में, वैसे ही चंबा के सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र है। अब हम अपने मेन टॉपिक में आ जाते हैं, जो है चंबा का इतिहास। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर से पढ़ ली थी, मगर जो हमने नहीं पढ़ा था वो था इतिहास। अब हम चंबा के इतिहास को देखते हैं। जो चंबा रियासत थी उसकी स्थापना 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। जो राजा मारू थे उन्होंने
चंबा रियासत की स्थापना की थी। मारू ने भरमौर को अपनी राजधानी बनाया था। भरमौर को प्राचीन समय में ब्रह्मपुर कहते थे, तो मारू ने ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अभी इसे भरमौर कहते हैं, प्राचीन समय में ब्रह्मपुर कहते थे। आदित्य वर्मन ने सर्वप्रथम वर्मन उपाधि धारण की। जो आदित्य वर्मन थे, इनने सर्वप्रथम जो वर्मन सरनेम था वो धारण किया। राजा मारू के बाद आते हैं मेरू वर्मन। जो मेरू वर्मन थे, ये भरमौर के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उसने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। जो मेरू वर्मन थे, इन्होंने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था और मारा भी था। मेरू वर्मन ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छत्राड़ी में शक्ति देवी मंदिर का निर्माण कराया था। ये एक क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को आ रखा है कि मणिमहेश मंदिर किसने बनवाया था, तो आपका आंसर होगा मेरू वर्मन ने। और मेरू वर्मन का एक प्रमुख शिल्पीकार था जिसका नाम था गुग्गा शिल्पी। तो मेरू वर्मन ने गुग्गा शिल्पी से इन मंदिरों को बनवाया था। तो मेरू वर्मन ने कौन कौन से मंदिर बनाए थे? मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छत्राड़ी में शक्ति देवी मंदिर। मेरू वर्मन के बाद आता है लक्ष्मी वर्मन। लक्ष्मी वर्मन के कार्यकाल में महामारी से ज़्यादातर लोग मारे गए और तिब्बतियों ने चंबा रियासत के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। तो लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे महामारी से बहुत सारे लोग मर भी गए और तिब्बतियों ने चंबा के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। लक्ष्मी वर्मन की पत्नी थी, वो अपने आप को बचा के तिब्बतियों से यानी बचा के एक गुफा में छुप गई थी और वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और बाद में वो उसी को वहाँ छोड़ के चली जाती है ताकि उसकी जान बची रहे। फिर जो रानी होती है, उसका वजीर आता है, वो वहाँ पर गुफा में देखता है तो उसे उस बच्चों के चारों ओर चूहे दिखते हैं जो उसकी ऐसे लग रहा था जैसे रक्षा कर रहे हैं, तो उसका नाम मुसान वर्मन रख देता है। तो लक्ष्मी वर्मन का जो बेटा होता है वो मुसान वर्मन होता है। तो मुसान वर्मन और उसकी माँ यानी रानी सुकेत में चली जाती है, सुकेत में छुप जाती है, सुकेत के राजा के पास चली जाती है। तो बाद में सुकेत का राजा अपनी बेटी का विवाह मुसान वर्मन से कर देता है और उसे पंगाणा की जागीर दहेज में दे देता है। मुसान वर्मन ने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो मुसान वर्मन था, इसने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुसान वर्मन के बाद आता है साहिल वर्मन। ये एक इम्पॉर्टेंट राजा है। साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की। तो साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना की। जो चंबा रियासत है उसकी स्थापना मारू वर्मन ने की और चंबा शहर की है साहिल वर्मन ने। अपने चंबा शहर का नाम उसने चंबा शहर का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा। तो साहिल वर्मन था, उसके 10 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था चंपावती, तो उसी के नाम पर उसने चंबा शहर का नाम रखा। साहिल वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी ने शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया। तो साहिल वर्मन की जो पत्नी थी नैना देवी, उसने अपना बलिदान दिया था कि चंबा जो शहर था उसमें पानी आ सके। और उनकी याद में सुई मेला लगता है जो अप्रैल महीने में लगता है और उसमें बच्चे और महिलाएं पार्ट लेती हैं। राजा साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। जो राजा साहिल वर्मन था, उसने लक्ष्मी नारायण, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। फिर साहिल वर्मन के बाद आते हैं युगांकर वर्मन। युगांकर वर्मन ने चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। युगांकर वर्मन थे, इन्होंने गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। युगांकर वर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी ने भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया। तो युगांकर वर्मन की जो पत्नी थी त्रिभुवन रेखा देवी, उन्होंने नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी इस आज के लेक्चर की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें मैं जो जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, उन सब के नोट्स उस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो युगांकर वर्मन ने गौरी शंकर मंदिर को बनाया। युगांकर वर्मन की जो पत्नी थी त्रिभुवन रेखा देवी, उसने नरसिंह मंदिर को बनवाया। युगांकर वर्मन के बाद आते हैं गणेश वर्मन। गणेश वर्मन चंबा परिवार के सर्वप्रथम राजा थे जिसने सिंह उपाधि को प्रयोग किया। तो अब वर्मन के बाद जो भी अब राजा आएंगे वो सिंह उपाधि का प्रयोग करेंगे। तो गणेश वर्मन जो पहले थे जिन्होंने सिंह उपाधि का प्रयोग किया। फिर आते हैं बलभद्र और जनार्दन। जनार्दन और जगत सिंह के बीच तलोग में युद्ध हुआ जिसमें चंबा की सेना हार गई। जगत सिंह नूरपुर का राजा था और जनार्दन चंबा का। तो इनके बीच में युद्ध होता है तलोग में और जो जगत सिंह होता है नूरपुर का राजा, वो जनार्दन को मार देता है।
जगत सिंह आदेश देता है कि जो बलभद्र और जनार्दन है उनका अगर कोई पुत्र है तो उसे भी मार दें। तो जो जनार्दन होता है उसका तो कोई पुत्र नहीं होता, मगर बलभद्र का एक पुत्र होता है पृथ्वी सिंह नाम का। तो जो पृथ्वी सिंह होता है उसकी नर्स होती है एक बाटलू, ये उसे बचाकर मंडी राजघराने में ले जाती है। फिर बाद में पृथ्वी सिंह राजा बनता है। उसने शाहजहाँ के शासनकाल में 9 बार दिल्ली की यात्रा की और रघुवीर की प्रतिमा शाहजहाँ द्वारा भेंट में प्राप्त की। जो पृथ्वी सिंह था उसने रघुवीर की प्रतिमा शाहजहाँ से भेंट में प्राप्त की। जो पृथ्वी सिंह होता है उसकी एक नर्स होती है बाटलू, नर्स बाटलू, उसने खजीनाग, हडिम्बा मंदिर और सीताराम मंदिर का निर्माण करवाया। तो पृथ्वी सिंह की नर्स बाटलू ने खजीनाग, हडिम्बा मंदिर और सीताराम मंदिर जो चंबा में उनका निर्माण कराया। फिर राजा बनते हैं चतर सिंह। चतर सिंह ने औरंगजेब के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चतर सिंह था उसने औरंगजेब के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद जो राजा बनते हुए हैं उदय सिंह। उदय सिंह ने एक नाई को उसकी पुत्री के प्रेम में पड़कर चंबा का वजीर नियुक्त कर दिया। जो उदय सिंह था उसने अपनी पुत्री का विवाह एक नाई से करा दिया। जो उसकी पुत्री थी वो एक नाई से प्यार करती थी तो, और उस नाई को बाद में वजीर नियुक्त कर दिया। उदय सिंह के बाद बनते हैं उमेद सिंह। उमेद सिंह ने नाडा महल और रंग महल जो चंबा में स्थित है उसका निर्माण कराया। तो नाडा महल और रंग महल का निर्माण कराया उमेद सिंह ने। उसने अपनी मृत्यु के बाद रानी के सती ना होने का आदेश छोड़ दिया। तो उमेद सिंह ने आदेश भी छोड़ा था कि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद जो उसकी रानी हो सती ना हो। अब हम आगे देखते हैं। जो अगला राजा है वो है श्री सिंह। ये मैं आपको चंबा के राजा बता रहा हूँ सारे लाइन वाइज, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। अगर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाता है इसमें तो इन्हीं पॉइंट में से बनाएगा। फिर आते हैं श्री सिंह। श्री सिंह के समय चंबा 1846 में अंग्रेज़ों के अधीन आ गई। श्री सिंह ने 1857 के विद्रोह में के समय अंग्रेज़ों के प्रति समर्पित रहा। तो उसने समर्पित रहा यानी उस अंग्रेज़ों की सहायता की 1857 के विद्रोह में। फिर उसके बाद बनते हैं राजा भूरी सिंह। ये भी एक इम्पॉर्टेंट राजा है। राजा भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। अंग्रेज़ों ने जो राजा भूरी सिंह थे उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। राजा भूरी सिंह जो भूरी सिंह थे उनका एक संग्रहालय वो 1908 में स्थापित किया गया चंबा में। साल नदी पर 1910 में एक बिजली घर का निर्माण किया गया जिससे चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई। तो हिमाचल प्रदेश का चंबा सबसे पहला शहर था जिसे बिजली प्राप्त हुई और ये भूरी सिंह के काल में हुई। तो साल नदी पर 1910 में एक बिजली घर का निर्माण किया गया जिससे चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई। राजा भूरी सिंह के प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। जो राजा भूरी सिंह थे उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। फिर हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह चंबा के अंतिम राजा हैं। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखा है कि चंबा का अंतिम राजा कौन था, तो आपका आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। तो मैंने आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करा दी। अगर आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट से तो इन्हीं में से कुछ आ सकता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।